जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं महोबा की एक खबर की ओर। आपको बता दें, मामला महोबा जिला मुख्यालय का है, जहां नगर पालिका के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लगे दर्जनों सफाई कर्मी बीते 4 माह से वेतन न मिलने से नाराज होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यालय के मुख्य मार्गों में निकलकर वेतन दिलाए जाने की मांग का ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एसडीएम सदन ने पहुंचकर सफाई कर्मियों की समस्या का जल्द निस्तारण कर आश्वासन देकर शांत कराया। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। ये हमारे भाई बहन सफाई कर्मचारी, जो कि मैं भी हूँ, और ये हमारा 4 माह से वेतन नहीं मिला। हम बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा त्यौहार आ रहा है, त्यौहार के पहले हमारा वेतन मिल जाए। माननीय से यही प्रार्थना है कि हमारे त्यौहार से पहले वेतन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। या तो अगर नहीं, अगर हमें अवसर दिया गया या कोई डेट नहीं देगी, तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए मजबूर होंगे। मांगे थी कि विगत 3-4 महीने से उनका वेतन नहीं मिला, सत्यापन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका सफाई इंस्पेक्टर से सत्यापन के लिए कहा गया था, तो सफाई इंस्पेक्टर और सफाई नायकों से इसका सत्यापन कराया जा रहा है, और कराने के बाद उस पर नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी कराई जा रही है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।